अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सहर तौसीफ और आप देख रहे हैं मॉम्स यमी किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हमारे किचन में बहुत ही मज़े का नाश्ता बनने जा रहा है। आज हम बनाने जा रहे हैं हलवा पूड़ी। आज मैं आपको बताऊँगी कि हम पूड़ियाँ किस तरह से बनाएंगे, पूड़ियों के साथ चने किस तरह से बनेंगे, आलू की भुजिया किस तरह से बनेगी, और हलवा मैं आपको पहले ही बनाना बता चुकी हूँ। तो आज एक कंप्लीट नाश्ता मैं आपको बनाना बताऊंगी। तो रेसिपी जानने से पहले प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए आज मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले हम पूड़ियों के लिए आटा किस तरह से गूंदेंगे और फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पूरी ये मेन्यू जो है उसकी रेसिपी आपको बताऊँगी। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ इसमें डलेगा क्या क्या। ये मेरे पास है फाइन आटा, इसको नॉर्मली हम सफ़ेद आटा भी कहते हैं। ये मैदा नहीं है, ये आटा है जो हमारे घरों में यूज़ होता है। जो एक तो होता है वो चक्की का जो आटा होता है जिसको हम लाल आटा कहते हैं, एक वो तो, और एक ये फाइन आटा होता है सफ़ेद आटा, ये वो है। ये आधा किलो आटा है। इसके साथ इसमें डलेगा नमक हसबे जायका और तकरीबन ये 2 टेबल स्पून मेरे पास है दही, फिटा हुआ दही। और इसको गूंदने के लिए हमें पानी चाहिए, वो आप अंदाजे से ही डालेंगे जिसमें हमने जितना हमने सख्त आटा रखना होगा उस हिसाब से हम पानी इसमें डालेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नमक और ये जो मेरे पास दही है ये मैं इसमें दही ऐड कर दूँगी। और इसके साथ थोड़ा सा मैं पहले पानी इसमें ऐड करूँगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। हमारे जो दही और नमक था वो पानी में अच्छी तरह मिक्स हो गया। अब ये जो आटा है ये मैं आटा इसमें ऐड कर दूंगी। और इसको हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसको हम इस तरह से मसल मसल के करेंगे ताकि जो दही और नमक है हमारा पूरे आटे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और इसके बाद फिर हम इसको पहले गूंदेंगे। पहले हम इसको इस तरह से करके, ये देखें इस तरह से करके हम इसको पहले करेंगे। जब ये सारे आटे में हमारे इस तरह से मिक्स हो जाएगा फिर हम इसको गूंदेंगे। नहीं जनाब, ये देखिए हमारे सारा आटा जो है वो इस तरह से करके हमने इसको मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करती जाऊंगी और इसका आटा गूंदूंगी। हम एकदम से ज़्यादा पानी नहीं डाल देंगे, नहीं तो क्या होगा, हमारा आटा ज़्यादा पतला होने का डर भी होता है। इसलिए हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसको गूंदते जाएंगे। नहीं जनाब, आटा हमारा गूंदा गया। ये देखिए हमने इसको इतना सख्त, मतलब बहुत सख्त भी नहीं रखना और बिल्कुल ढीला भी नहीं रखना, हमने इस फॉर्म में इसको रखना है। ठीक है, इतना मैंने आटा गूंद लिया है, अब इसको हम रेस्ट नहीं देंगे। आटा गूंदने के बाद हम इसके पेड़े बनाएंगे। पेड़े बना के फिर हम इसको तकरीबन आधा से आधा घंटा, मतलब 25 से 30 मिनट इसको हम रेस्ट देंगे और उसके बाद हम इसकी पूड़ियाँ बनाएंगे। पेड़ा बनाने के लिए हम इसमें खुश्का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम अपने हाथ पे लिए थोड़ा, मैंने ऑयल रखा हुआ है, मैं अपने हाथ पे इस तरह से करके ऑयल लगाऊंगी और जितने साइज़ का हमें पेड़ा चाहिए हम वो पेड़ा बनाएंगे इस तरह से करके। सारी साइडें एक जैसी और इसको ऐसे गोल गोल करके ये
इस तरह से हम इसका पेड़ा बनाएंगे। पेड़े का साइज़ आप पे डिपेंड करता है, आप कितने साइज़ की पूड़ी बनाना चाहते हैं। मैंने इस साइज़ का पेड़ा बनाया और उसके बाद हम जहाँ पे हमें इसको रखना है उसको भी नीचे से थोड़ा सा पीस करके और उसको इस तरह से करके रखेंगे। और एक चीज़ और मैं आपको इसमें इसकी टिप कह लें या इसकी ट्रिक कह लें, हम इसमें ऑयल यूज़ करेंगे, हम इसमें घी कभी भी यूज़ नहीं करेंगे। घी यूज़ करने से क्या होता है कि जब हम इसको इस तरह से रेस्ट दे के रखेंगे आटे को, तो उसमें होगा क्या कि अगर तो सर्दियाँ गर्मियाँ होती हैं तब तो इतना नहीं कुछ होता, लेकिन अगर सर्दियाँ हैं तो वो जो घी हमने ऊपर लगाया होगा वो मतलब जम जाएगा और हमारे जो पेड़े हैं वो सख्त हो जाएंगे, उनके ऊपर एक वो पापड़ियाँ सी बन जाएंगी जो कि फिर वो पूड़ी हमारी ठीक नहीं बनेंगी। इसलिए हम इसके अंदर ऑयल लगाएंगे, अंदर ही बल्कि ऊपर इसके ऑयल लगाएंगे पेड़ा बना के इस तरह से, और हम रखते जाएंगे। और बहुत स्मूथ सा पेड़ा हम इसका बनाएंगे और ख्याल रखेंगे कि हमारे पेड़े में कहीं पर कोई जोड़ ना आए। ये देखें इस तरह से बिल्कुल एक जैसा। और इसको थोड़ा थोड़ा फासले पर रखेंगे क्योंकि ये मतलब जिस तरह से पेड़ा बना के रखा है थोड़ी देर बाद ही फूलेगा। हमें क्योंकि इसमें दही डाली हुई है, दही की वजह से आटा थोड़ा सा इसमें खमीर होगा, तो खमीर होने के बाद आटा फूलता है, तो अगर हम फासले से रखेंगे तो वो आपस में हमारे जुड़ेंगे नहीं। सारे पेड़े बना के रखेंगे। लें जनाब हमारे सारे पेड़े बन चुके हैं। अब मैं हाथ से इस तरह से करके पेड़ों के ऊपर हल्का हल्का ऑयल लगा दूंगी ताकि वो हमारे जो आटा है वो खुश्क हो के कड़े नहीं, बस थोड़ा थोड़ा से इस तरह से, क्योंकि नीचे तो हमने ऑलरेडी ग्रीसिंग की हुई है और इस तरह से ऊपर हमने सारा ऑयल लगा दिया। अब मैं इसको कवर करके रखूँगी तकरीबन, जिस तरह से मैंने पहले बताया था 25 से 30 मिनट तक हम इसको कवर करके रखेंगे, इसको रेस्ट देंगे ताकि इसमें जो हमारा आटा है वो ठीक तरह से सेटल हो जाए और फिर हम इसकी पूड़ियाँ बनाएंगे। नहीं जनाब इसको मैंने कवर कर दिया, इसको मैं रेस्ट के लिए रखने लगी हूँ और अब हम दूसरे स्टेप की तरफ जा रही हूँ। चलें जी अब है हमारी स्टेप नंबर 2 की, मतलब चने बनाने की। अब मैं आपको बताती हूँ कि पूड़ियों के साथ चने किस तरह से बनाए जाते हैं। तरीके तो 2-4 हैं लेकिन मैं जिस तरीके से बनाती हूँ मैं आपको वो बताने जा रही हूँ। यहाँ पे मैंने तकरीबन ये 1.5 कप चने लिए हैं जो कि मैंने नमक डाल के बॉयल कर लिया हुआ है और उसको इतना हमने बॉयल किया है कि वो ये देखिए आराम से टूट जाएंगे, इस तरह से मैश हो जाएंगे। हमने इसको इतना बॉईल करके गला लिया है चनों को, 1 चम्मच नमक डाल के इसको मैंने बॉईल कर लिया और जो उसका पानी था वो मैंने वेस्ट कर दिया और चने मैंने निकाल के इसमें रख लिए। इसके साथ मैं इसमें डालूंगी टमाटर, लहसुन और प्याज, 1 कटी लहसुन की, 1 नॉर्मल साइज़ का प्याज और 1 नॉर्मल साइज़ का टमाटर, ठीक है। वो मैंने गलने के लिए रख दिया हुआ है ऑलरेडी पानी डाल के, बस उन तीनों चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से गला लेना है। इसके साथ मैं इसमें डालूंगी 1 टेबल स्पून सुरख मिर्चें, नमक हसबे ज़ायका, 1/2 टीस्पून कलवंजी, 1 टेबल स्पून कुटा हुआ गरम मसाला, 1 टेबल स्पून सूखा धनिया, 1/2 टीस्पून हल्दी और 1 टेबल स्पून सूखी हुई मेथी। हम कसूरी मेथी भी यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मली जो हम घर पे मेथी बाज़ार से लाते हैं उसको भी हम सुखा के रख सकते हैं, ये 1 टेबल स्पून सूखी मेथी है। इसके साथ मैं इसमें डालूँगी इतना सा तेज़पत्ता, 2 छोटी इलायचियाँ, 1 मोटी इलायची और 1 इतने साइज़ की दालचीनी के स्टिक। चले मैं इसको पकाती हूँ, हमें बताऊँ इसको पकाऊँगी मैं किस तरह से, इसको पहले साइड पर कर लूँ। ये देखिए मैंने लहसुन प्याज और टमाटर तीनों चीज़ों को कुकर में मैंने गला लिया है। अब इसके बाद मैं इसमें डालूँगी ऑयल और मसाले। नहीं जनाब मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है
मतलब ये इतने गले हुए हैं कि ये देखिए इजीली मैश हो रहे हैं। अब मैं इसको इसमें पहले भूनूंगी और इसमें सारे पहले मसाले डाल दूंगी, कलवंची, ये सुरख मिर्चें, सूखा धनिया, हल्दी, और ये नमक। अच्छा, नमक का मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, आप इस हिसाब से नमक इसमें ऐड करेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी पहले चनों में भी नमक डाल के उसको बॉईल किया हुआ है, तो हम रूटीन से थोड़ा सा कम नमक उस मसाले में डालेंगे क्योंकि हम चनों में तो ऑलरेडी नमक है, हमने सिर्फ मसाले के हिसाब से इसमें नमक डालना है। और इसको मैं अच्छी तरह से भून लूँगी मसाले को। अब देखें अच्छी तरह से हमारा मसाला मैश भी हो गया और दाना दाना हो गया है। इतना हमने इसको भूना है कि ये ऑयल सेपरेट हो गया है और मसाले का दाना बन गया है। अब हम इसमें ये जो चने थे हमारे पास ये वो मैं ऐड करूँगी इसमें, और इसके साथ ये जो मैंने यहाँ पर साबुत गरम मसाला रखा हुआ ये ऐड करूँगी। अब मैं चनों के साथ इसको थोड़ा सा भूनूंगी। भुनाई के साथ साथ ही मैं इसमें जो मैंने कुटा हुआ गरम मसाला रखा हुआ था ये डाल दूंगी। और जैसे इसमें से ऑयल सेपरेट होना शुरू होगा तो फिर हम इसमें पानी ऐड करेंगे। जनाब तकरीबन हमारा ये देखें साइडों पे ऑयल निकलना स्टार्ट हो गया है। अब मैं इसमें इस स्टेज पे जो मेरे पास सूखी मेथी पड़ी हुई थी वो मैं ऐड करूँगी इसमें, और इसके साथ मिक्स कर लूँ। और अब मैं इसमें पानी डालूँगी जितनी मुझे इसमें पानी की ज़रूरत है। डाल के इसको मैं तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए ढक्कन लगा के इसको पकाऊंगी ताकि हमारे जो चने मसाला और पानी वापस में एक जान हो जाए, तो फिर मैं आप इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। नए जनाब अब है स्टेप नंबर 3 जिसमें हम आलू की भुजिया बनाएंगे। आलू की भुजिया बनाना बहुत ही आसान है। इसमें मैंने क्या, ये तकरीबन मेरे पास 3 नॉर्मल साइज़ के आलू थे, इनको मैंने बॉयल करके और रफली इनको रफली शेप में काट लिया है, कोई छोटा कोई बड़ा कोई लंबा कोई पिद्दा, इस तरह से इसको काट लिया मैं बॉईल करने के बाद। इसके साथ मैं इसमें डालूंगी 1 टेबलस्पून कुटा हुआ सूखा धनिया, 1/2 टीस्पून अजवाइन, 1/2 टीस्पून ही इसमें हल्दी डलेगी, 1 टेबलस्पून मैं इसमें डालूंगी कुटी हुई लाल मिर्चें, नमक हस्बे ज़ायका, 1/2 टीस्पून पिसी लाल मिर्चें, 1 टेबलस्पून ज़ीरा सफ़ेद ज़ीरा, और 1 टीस्पून कलवंजी,
साथ इसमें ऑप्शनल में नींबू भी डाल सकता है, लेकिन मैं नींबू नहीं डाल रही क्योंकि नींबू से खट्टा हो जाता है और फिर मेरे बच्चों के गले ख़राब हो जाते हैं। और इसको पकाने के लिए तकरीबन मैं 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल यूज़ करूँगी। चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन अब हमारा जो ऑयल है वो ऑलमोस्ट गर्म हो चुका है। इसमें सबसे पहले मैं डालूँगी ज़ीरा कलवंजी, कुटी लाल मिर्चें, अजवाइन और सूखा धनिया जो मैंने कुटा हुआ, ये डाल के इसको मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी। थोड़ा सा इसको फ्राई करना है, इतना करना है कि जिसमें ये जले नहीं लेकिन फ्राई हो जाए, और नॉर्मल आग पे, हम तेज़ आग पे इसको नहीं करेंगे नहीं तो ये फ़ौरन जल जाएगा। बस 1 से 2 मिनट के लिए हमने फ्राई किया। इसकी निशानी है कि जो हमारी वो कुटी लाल मिर्च होती हैं उनके जो फ्लेक्स होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं जब ये फ्राई हो जाता है। इसके साथ ही मैं इसमें ये डाल दूँगी आलू। इसमें अब मैं डालूंगी नमक, पिसी हुई लाल मिर्चें और हल्दी। इस कदर मज़े की खुशबू आ रही है ना इसमें, तो बता नहीं सकते। आप चाहें तो इसमें अचारी मसाला भी यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मली जो हमारे पास आते हैं ये नेशनल वगैरह के, हम इसमें वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर वही बात कि वो बस घर के मसाले नहीं होते, और हमारी कोशिश ये होती है कि हम वो खाना बनाएं जिसमें खालिस घर के मसाले यूज होते हैं। सारे आलुओं को हम अच्छी तरह से इसमें मिक्स भी कर लेंगे और साथ 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको भूनेंगे, क्योंकि आलू हमारे ऑलरेडी गले हुए हैं, इनको हमें गलाने के लिए टाइम नहीं देना। ऑलरेडी हमारे आलू बॉईल होने की वजह से गले हुए हैं, तो हम बस हम इस मसाले के साथ इसको थोड़ा सा भुनेंगे जिसमें कि मसाले के साथ आलू अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, और बस फिर हमारी आलू की भुजिया रेडी। अच्छा, आप चाहें तो इसमें हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कर रही, ये ऑप्शनल है। मतलब 1 लीमू और 1 हरा धनिया आप इसमें ऐड कर सकते हैं। लें जनाब हमारी आलू की भुजिया रेडी, हार्डली 2 से 3 मिनट में ही रेडी हो जाती है। चलें जी, फाइनल स्टेप हमारा पूड़ियाँ फ्राई करनी। ये हमने इसको आपके सामने रेस्ट के लिए रखा हुआ था इसका जी। हम ये इस तरह से पेड़ा देंगे, ऐसे हाथ से थोड़ा सा फ्लैट करेंगे साइडें जो इसकी हैं, इस तरह से सारी इस तरफ से हाथ से साइडें फ्लैट करके, चाहे तो आप इसको हाथ भी इस तरह से कर लें। और अब मैं इसको इसमें डालूँ, ये सबसे एहतियात वाला स्टेप और सबसे मज़े का स्टेप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, पूरी डालने से पहले आपने ये ख्याल करना है कि आपका ऑयल तेज़ गर्म हो, और ये तेज़ आग पे बनती हैं, खोलते ऑयल में बनती हैं, ठंडे ऑयल में डालेंगे तो कभी भी पूरी आपके ठीक नहीं बनेगी। हमारी पूरी फ्राई हो गई है, ये देखिए इसी तरह से मैं सारी पूड़ियाँ फ्राई करूँगी। लें जनाब, मज़ेदार नाश्ता हमारा तैयार है। पूड़ियाँ, चने, आलू की भुजिया, अचार और साथ हलवा। ये वही हलवा है जो मैंने आपको एक दिन पहले बनाना बताया था। घर का बना हुआ, घर के मसालों से तैयार किया हुआ पूरी हलवा चने, मज़ेदार नाश्ता। आप भी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत मज़े का बनेगा।
अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो काइंडली कमेंट में मुझे इन्फॉर्म ज़रूर करिएगा। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।